अंतिम सीमा तो भगवत साक्षात्कार, नहीं तो यथात्म्य साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए योग की इच्छा होने के लिए उसको भी कुछ भगवान की कृपा होना चाहिए और आत्मा का अपूर्व यादृच्छिक सुकृत या सुफल कर्म कुछ होना चाहिए। इसलिए सुकृत से, भगवान का सत्य संकल्प से, ईश्वर का सौहार्द से, पूर्व पुण्य का लवलेश बिंदु से ही हमको योग ऐसा एक विद्या में हमको विश्वास और इच्छा हमको प्रकट या प्रवाह हो जाती है। इसके बिना नहीं होगी कभी भी। इसलिए बहुत प्रकार की गतियों हैं, सब लोग एक ही गति में नहीं आ सकते हैं। शास्त्र में दिया कि पहले तो मंद गति है, नैच्य गति है और अल्प गति है, त्वरित गति है, प्रचुर गति है और पूर्ण गति है। इसको गति शक्त बोलते हैं। जो आदमी इसको कभी भी विश्वास नहीं करता है वो तो नैच्य गति में बैठे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, उनको कभी भी विश्वास नहीं होगा। यह सब तो शरीर विकार है और काल का व्रय है, यह सब विश्वास करने में कुछ भी नहीं होगा। जो नास्तिक है, अश्रद्धेय और अविश्वस्त है, वो तो नैच्य गति में बैठे हैं। उनको हम अमृत संजीवनी जैसा हमारा अनुष्ठान या प्रार्थना या भगवत कृपा का प्रवाह से ही उनको स्मरण या जागरण होगा, नहीं तो उनको कभी भी नहीं होगा। जो मंद स्थिति में है उनको विश्वास होगा, लेकिन वो करने के लिए समय नहीं मिलेगा। वो समय करके वो करने के लिए तो वो धैर्य या वीर्य, वो गांभीर्य नहीं आएगा। इसलिए ये मंदगति में बहुत लोग चल रहे हैं। योगाभ्यास से, योग ज्ञान से हमको शरीर में आरोग्य और संचलहीन मन और सूक्ष्म बुद्धि और आत्मशुद्धि ये सब मिल जाती है। ये सबको मालूम है क्योंकि बहुत लोगों को देख रहे हैं। यहाँ प्रदेशों में, स्वदेशों में, विदेशों में बहुत लोग इसका अनुष्ठान में है, अभी प्रलीन है, वो सब लोगों को देख रहे हैं। फिर भी वो रुचि का वो वेग नहीं होता है, वो जव नहीं होता है, क्योंकि वो मंद गति में चल रहे हैं। अल्प गति में जो है वो तो कर रहे हैं, लेकिन अविच्छिन्न रूप में नहीं कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार करते हैं, महीने में एक दो बार करते हैं, फिर छोड़ जाते हैं। इसलिए विच्छिन्न रूप में जिसके पास वो आत्मज्ञान की रुचि है, वो पिपासा है, और यदि कुछ अल्प गति में चल जाती है फिर अविच्छिन्न आचार नहीं तो अनुष्ठान नहीं कर सकते, वो बीच बीच में छोड़ के कर जाता है। इसलिए जिसको वो प्रचुर गति में होता है उसका वो नित्यानुष्ठान होगा। इसलिए जो आप यहाँ कोई शिक्षक बोलने के समय में, नहीं तो एक आदमी करके दिखाने के समय में उसका अनुवर्तन का रूप में हम भी बैठ के करेंगे, क्योंकि यहाँ दूसरा काम नहीं कर सकते ना, यहाँ तो दूसरा काम नहीं कर सकते, वो करने के लिए सुविधा नहीं है और कोई भी नहीं है घर में, नहीं तो दूसरा एक वातावरण में। जब एक दूसरा काम का बलात्कार है तब भी उसको दूसरे स्थान में रख के हमारा काम करने में ही उद्वेग है। यदि दूसरा एक कार्य का बलात्कार है, वो बलात्कार को हम निर्लक्ष्य करके यदि ये काम को कर सकते हैं वो तो वैराग्य है। दूसरा काम नहीं, यहाँ आके कुछ करेंगे तो वैसा नहीं है। अभी तो एक वातावरण में करना है, वो तो क्या बोलते हैं इसको, अल्प गति बोलते हैं। जो भी हो वातावरण, उसमें हमारा वातावरण की सृष्टि करके हम विरग रूप से करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, प्रचुर गति। इसलिए जो मंद अल्प गति में बहुत लोग बैठे हैं वो तो प्रचुर गति में आना चाहिए। और प्रचुर गति में जो रोज अनुष्ठान करते हैं उसको केवल शरीर का आरोग्य या मन की स्थिरता या बुद्धि की स्थिरता ये सब छोड़ के इसमें बहुत सिद्धि है, इसमें बहुत लाभ है, वो भी हमको मिलना चाहिए। इसलिए सब छोड़ के, बहुत लोग आदमी लोग योग को छोड़ के बहुत कुछ कर रहे हैं। जो सब छोड़ के योग करना चाहता है उसका स्थान तो हम बोलते हैं त्वरित। क्या गति बोलते हैं? त्वरित। सब छोड़ के योग मार्ग में हम सीमा को देखना है। ठीक है, अभी तो हम अच्छे हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छे स्थिति हमको होना चाहिए। वो क्या हम देखना चाहते हैं, ऐसा बहुत उत्साह से, प्रोत्साह से जो वो सीमा को देखना चाहता है वो तो त्वरित है। और पूर्ण, मैंने जिसको भगवान का साक्षात्कार मिल हुआ है, भगवान का पद द्वंद्व का जो अनुभव का आनंद रस को हमेशा पीने वाला और पिलाने वाला जो महानुभाव है उसको हम पूर्ण बोलते हैं। इसलिए योग गति में नैच्य गति, मंद गति, अल्प गति, प्रचुर गति, तीव्र गति और पूर्ण गति है। इसलिए योग के बारे में हम सुनने के लिए या सुनाने के लिए या कुछ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए
कुछ न कुछ प्रकार और विकार करके हम आके बैठे हैं, ये सब तो हमारा जो आत्मा बोलते हैं ना, वो आत्मा का अनुरूप विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुरूप विकास। आत्मा का विकास तो दो प्रकार का विकास है, अनुरूप और अननुरूप, अनिष्ट और इष्ट। आत्मा का मोचन के लिए और आत्मा की प्रगति के लिए जो कुछ हम अच्छे काम कर रहे हैं वो सब आत्मा का इष्ट कार्य है। और कोई आदमी ये अतल पाताल संसार माया प्रपंच प्रकंठित बद्ध स्वरूप में जो मिल जाता है वो सब आत्मा का अनिष्ट है, अनिष्ट प्रवृत्ति, वो मायाग्रस्त प्रवृत्ति बोलते हैं जिसको। एक आदमी दूध पीता है और एक आदमी मद्य शराब पीता है और एक आदमी मांस खाता है और एक आदमी फल खाता है, और दोनों शरीरों में तो आत्मा ही है ना, परंतु जिसमें दुग्ध फल आदि सात्विक प्रकारों की सेवा है वहां आत्मा तो इष्टपूर्वक वो काम कर रही है। जहां आत्मा के लिए वो अनर्ह है, अयोग्य है, वहां तो आत्मा का अनिष्ट कार्य है जो ये भवमाया बंधन से हो रहा है, बलात्कार से। इसलिए अभी आप जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सब आपका आत्मा का प्रियतम इष्ट कार्य, अनुरूप कार्य। इसके इसको क्या बोलते हैं शास्त्र में? स्वरूपानुरूप आध्यात्मिक इष्ट कार्य प्रवृत्ति, ऐसा बहुत छोटा नाम दिए स्वरूपानुरूप आध्यात्मिक इष्टानुरूप प्रवृत्ति में, वो बहुत बड़ा भाग्य है। और भाग्य मिलने तो भाग्य नहीं है, जो भाग्य अभी मिला है वो भाग्य को हम स्थिर करना तो बहुत बड़ा भाग्य है। भाग्य बहुत लोगों को मिल सकता है, इसलिए जिसको भाग्य मिल रहा है वो तो भाग्यवंत नहीं है, जो मिला हुआ भाग्य को रखता है, हमेशा रख लेता है, वो तो वास्तविक भाग्यवान है। इसलिए भाग्य तो सब लोगों को हो सकता है बाल्य में, नहीं तो कुछ ना कुछ संदर्भों में हम संगीत पढ़ते हैं और संस्कृत पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, और फिर एक गृहस्थ धर्म में, नहीं तो वार्धि के आने के समय में शरीर आसक्ति से, संदर्भों की माया से हम सब छोड़ के फिर भूल जाते हैं। इसलिए जो भाग्य मिला है वो भाग्य तो हमेशा हमारे साथ रख लेना, वो तो महाभाग्य, नहीं तो सौभाग्य बोलते हैं इसको, इसलिए वो सौभाग्य हमको मिलना चाहिए। लेकिन सौभाग्य तो किसको मिल रहा है? बाल्य में मिल रहा है। बाल्य तो बहुत इसके लिए एक उचित प्राय है, क्योंकि बाल्य में सब अनुकूल है। बाल्य में क्या क्या अनुकूल है? अज्ञात प्राय है, अननुभूत प्राय है, और अरोग प्राय है। परंतु बहुत लोग बाल्य वयस में भी बहुत रुग्ण होने वाले बहुत है, हमेशा सुबह से रात तक दवाई लेने वाले तो बाल्य में है। लेकिन शास्त्र दृष्टि में बोल रहे हैं बाल्य में तो रोग का ताप बहुत कम होगा, और अज्ञात प्राय वो तो ऐसा शुभाशुभ ये नहीं जानते हैं, बहुत कुछ चीज जो प्रपंच में बाहर हो रहा है वो सब वो नहीं जानते हैं बच्चे लोग, और अननुभूत है, उसकी अनुभूति नहीं है। जो बिल्ली तो दूध ले ली है, फिर आपका पाठशाला को छोड़ेगा क्या? एक दिन आके वो दूध पी लिए तो फिर दूसरे दिन आपको कमरों नहीं छोड़ेगा वो, इसलिए वो अननुभूत प्राय है। इसलिए हम बोलते हैं यौवन या कुछ बाधिक प्राय में सब कुछ आपको मालूम होगा, ये क्या वो क्या सब मालूम होगा और अनुभव में ही होगा। सब मालूम होने के बाद और अनुभव होने के बाद एक वस्तु को छोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक वस्तु को रखना और छोड़ना ये दोनों के लिए जो वैराग्य और ये दोनों के लिए जो विवेक चाहिए, वो विवेक बाल्य में देना चाहिए, जिससे वो यौवन और वार्धिक प्राय में वो विवेक से और वो वैराग्य से ये करना ये नहीं करना ऐसा वो समझ सकते हैं, विवेक से वो कर सकते हैं वैराग्य से। इसलिए दिल में वो बल होना वो तो विवेक है, और काम में उसी बल रखना तो वैराग्य है, ये सब बाल्य में ही हो सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाल्य जिसको अभी पीछे चला वो सब तो अभी नहीं कर सकते हैं, आप घर जाइए, ये सब आप सबको निराकरण करने के लिए उपाय नहीं बताते हैं। अभी आप क्या करना चाहिए? जो आप जानते हैं वो भूल होना चाहिए, जो आप जानते हैं वो भूल जाना चाहिए, जो आप अनुभव है आपका अनुभव सब भूल जाना चाहिए। इसलिए एक बाल्य अवस्था का एक स्मरण से, बाल्य आपका उत्साह से, आपका विश्वास से, आपकी अभिरुचि से, ये बाल्य को वापस ले आना चाहिए आपका दिल में। इसलिए आपको शुभाशुभ का यह चिंतन है, अविवेक चिंतन और अवैराग्य चिंतन, वो सब तो भूल जाना चाहिए। इसको विस्मरण विद्या बोलते हैं, आप नहीं कर सकते, आपका आचार्य आपको करना चाहिए।
ऐसे 10 लोग खेल रहे हैं, 11 लोग खेल रहे हैं, वो पेटी को देख के आप सुबह से रात तक